रेलवे के रिव्यू में कुछ प्रमुख लिंक्स हैं जो झारखंड से गुजरते हैं, जिससे हम बड़े रूप में कोयले को ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे, कोयले के उत्पादन को बढ़ा सकेंगे। तो मेरे अधिकारी कह रहे थे कि साहब ये जगह माओवादी इलाके से गुजरती है, यहाँ रात को हम काम नहीं कर सकते, इतना समय लगेगा लाइन के लिए। अब माओवादी गतिविधियों से हम सब अच्छी तरीके से अवगत है, मुझे भी लगा शायद समस्या इतनी गंभीर होगी कि वास्तव में इतना समय लगेगा। तो मैं अभी अभी माननीय रघुवर दास जी से बात कर रहा था, तो जो पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए, जो पॉजिटिविटी से काम होना चाहिए, वो उनके शब्दों में मुझे आज एहसास हुआ। उन्होंने कहा, किसने कहा कि रात को काम नहीं हो सकता है झारखंड में, हमने पूरी फोर्स लगा रखी है वहां पे, आप 24 घंटे काम करिए, किसी प्रकार का विलंब नहीं होने देंगे, मैं स्वयं मॉनिटर करूंगा और 6-8 महीने में पूरी लाइन खत्म कर दूंगा। झारखंड में जो रेल सुविधाएं हैं वो कैसे और तेज गति से हर क्षेत्र में पहुंच पाए, क्या उसमें सुधार लाया जाए जिससे सुरक्षा सुधरे, रेल यात्रियों के लिए सुविधाएं सुधरे, और आगे चल के पूरे झारखंड में जैसे जैसे खनन का काम बढ़ेगा, जैसे जैसे औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा, उसी के साथ साथ रेल की भी क्षमता बढ़ के हम झारखंड को देश के जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं उस श्रेणी में लेके जा सके, वो हमारी कल्पना है। रेलवे विभाग का देखें तो गत 3 वर्षों में जो निवेश रेलवे झारखंड में करता है वो लगभग 4 गुना हो गया। सालाना जो निवेश झारखंड में रेलवे करता था पहले, उसके सामने आज लगभग 4 गुना निवेश हर वर्ष झारखंड में रेलवे करता है। 830 करोड़ रुपए एवरेज सालाना पिछली सरकार के समय 2009 से 2014, 830 करोड़ रुपए हर वर्ष सालाना निवेश रेलवे का होता था झारखंड। मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि 2017-18 अकेले में 3,850 करोड़ रुपए रेलवे झारखंड में निवेश करेगा, और जितनी तेज गति से यह निवेश यहां पे आप लोग स्वीकार करेंगे, अगले साल हम उतना और इसको बढ़ाने के लिए तैयार बैठे। तो मुझे पूरा विश्वास है आगे चल के जिस टीम वर्क के साथ, जिस कोलैबोरेटिव और कोऑपरेशन के साथ जो अप्रोच भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का है, जहां पे एक प्रकार से सिनर्जी है, राज्य सरकारों केंद्र सरकारों मिलके योजना बनाती, मिलके योजना को कार्यान्वित करती,